कहीं तू अनंत आसमान की ऊंचाई पर पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर खूबसूरत और घने बादलों पर एक लाल हिरन रहता है। कभी कभी वो धरती पर आता है, बिजली का गरजना उसके कदमों की आहट है, बिजली का चमकना उसके चमकते हुए सींग हैं। वो बहुत ही भूखा होता है, वो रास्ते में आई हुई हर चीज को कुचल देता है या फिर चला देता है और पूरे के पूरे पेड़ों को हड़प कर जाता है। उससे कोई भी बच नहीं सकता। जब भी कभी तुम्हें वो लाल हिरन दिखे, भागो। बच्चों डरो मत, ये तो सिर्फ कहानी है। लाल हिरन। अब हम बाहर घूम सकते हैं। हाँ, अब हम बाहर आ सकते हैं। हाँ, हुर्रे! तो क्या चलें लंबी सैर पर? अलविदा मापा पंडिका, अलविदा मापा पंडिका, अलविदा, अलविदा। वैसे कहानी इतनी भी बुरी नहीं थी। वैसे वो लाल हिरन मेरी ताकत के सामने टिक नहीं पाएगा। लियो कहाँ है? दोस्तों यहाँ। लियो, ये सारे पेड़ कहाँ गए? लगता है कोई इन्हें खा गया। पर कौन? वही खतरनाक शैतान, लाल हिरन। लाल हिरन? यारा, ये मजाक की बात नहीं है। पर मुझे तो ये मजाक ही लग रहा है। ठीक है, हो गया। चलो 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 चलो, थकेलो, जल्दी जल्दी बदलो, जोर लगा के है ईशा। वाओ, तो यहाँ है सारे के सारे पेड़। बीवर चाचा, आप क्या कर रहे हैं? अरे तुम देख नहीं रहे क्या, हम पुल बना रहे हैं। चलो जाओ यहाँ से, जोर लगा के है ईशा। वाह, क्या बात है, ये तो एक पुल है। तुम्हें पता है मैं नदी के उस पार कभी नहीं गया। तो चलो चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या है। क्या हम भी आपके साथ उस पार आ सकते हैं? ठीक है, आ जाओ, पर ध्यान से आना तुम लोग। नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, माँ ने मना किया है। क्या बात कर रहे हो, तुम बस डर रहे हो और कुछ नहीं। ठीक, आ जाओ ना। मैं डर रहा हूँ? मैं बिल्कुल नहीं डर रहा। ए, क्या देख रहे हो, चलो काम करो। अरे वाह, क्या गजब का पेड़ है, मैंने आज तक ऐसा पेड़ नहीं देखा। वाह। हाँ, मुझे लगता है कि ये देवदार का पेड़ है, पेड़ों का राजा। पेड़ तो पेड़ होता है, चलो आगे चलते हैं। लगता है ये नहीं चाहता कि हम यहाँ से आगे जाएं। अच्छा, अच्छी बात है, तो अब तुम ये भी कहोगी कि ये जादुई पेड़ है? और अगर ये सच में जादुई पेड़ हुआ तो? डरपोक कहीं के। डरपोक? मैं नहीं हूँ डरपोक। मैंने तो कहा ही था यहाँ डरने की कोई बात नहीं। हीरो, ये तो सिर्फ पक्षी है, तुम्हें क्या हुआ? वो देखो, जिसके
के बारे में हमें जादुई पेड़ चेतावनी दे रहा था। वो रास्ते में आई हुई सभी चीजों को तहस नहस कर रहा है और पेड़ों को जला रहा है, क्योंकि वो है शैतान लाल हिरन। भागो! बच्चे को देखा? कहाँ हो तुम? क्या हुआ आंटी? मेरा बेटा मार्दिक नहीं मिल रहा, खो गया। नहीं मिल रहा? मैं उसे ढूंढ के लाता हूँ। हम भी आते हैं। नहीं टेक, तुम सबको नदी के पास लेकर जाओ, मैं अभी आता हूँ। सुना तुमने लियो ने क्या कहा? सब मेरे पीछे आओ। आप घबराइए नहीं, लियो मार्दिक को जरूर ले आएगा। मार्दिक! मार्दिक! ओ मार्दिक! अच्छा तो तुम यहाँ हो मार्दिक, तुम मुझे सुन रहे हो मार्दिक? हमें भागना होगा। यहाँ क्या कर रहे हो? और बाकी सब ठीक तो है ना? मैं सभी को नदी के पास छोड़ कर आया हूँ। हमें यहाँ से निकलना होगा। बिल्कुल चुप रहो। लगता है चला गया। मेरा बच्चा! क्या हो गया? उन्हें तो वक्त क्यों लग रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं वो धुएं में कहीं खो गए हो? अरे देखो वहाँ, देखो कोई भाग रहा है। मार्दिक! ये तो मेरा मार्दिक है। मामा मैं यहाँ। कैसे रोक सकते हैं? समझ गया, हमें इस पुल को गिराना होगा। क्या मजाक है, अभी तो बनाया हमने इस पुल को। पानी के बहाव से आग बुझ जाएगी। बच्चा बिल्कुल ठीक कह रहा है, वरना सारे पेड़ जल जाएंगे। ठीक है, जल्दी 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 जोर लगा के हईशा, और ये हो गया। हिरन पास आ रहा है, जल्दी करो। हम नहीं कर पाएंगे, हमें उस पेड़ के तने पर कूदना होगा। लियो, पानी में जाना जरूरी है क्या? टेक, तुम फिर शुरू हो गए। कुछ कीला कीला लग रहा है। टेक, आगे धकेलो। संभाल के। पीछे, पीछे हो जाओ। सारे लोग दूर हो जाओ, पीछे हो जाओ, सब दूर हो जाओ। लगता है हमने कर दिखाया। अरे हाँ, हमने कर दिखाया, लाल हिरन को हरा दिया। हमने भगा दिया। बच्चों तुम ठीक हो?
मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था। लाल हिरन से मजाक करना ठीक नहीं है। माँ पपंडिका, हम ठीक हैं। पता है हमने लाल हिरन को हरा दिया और अपने जंगल को बचा लिया। और देखो अब यहाँ पर चार तेंदुए हैं। चार नहीं, पाँच। मैं भी जीता। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सूरज की चादर। ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ। लियो, देर बिल्कुल मत करना। ठीक है माँ। अरे मोटू कहीं के, तुम्हें कोई और जगह नहीं मिली? वो धारीदार रुई का गोला है। अरे जाने दो उसे, मापा पंडिका हमारा इंतजार कर रहे हैं। अरे वाह टेक, चलो चले देखते हैं कौन तेज है। तुमने दौड़ना तो सीख लिया ना, मैं तुमसे पहले पहुंच जाऊंगा। क्या हुआ? ये तो बहुत ऊंचा है, मैं नहीं आ पाऊंगा। ठीक, चलो भी, हमें देर हो रही है। यहाँ से कूदना बहुत आसान है, आओ चलो ना। क्या सोच रहे हो? देखो देखो मोटू फिर ऊंचाई से डर गया। चलो ना घूम कर आते हैं, हम जल्दी पहुँच जाएंगे। हाँ जरूर घूम कर आते हैं, पहुँचने में देर हो जाएगी, तुम्हें पता है रात हो जाएगी। पंडिका के जाने में देर हो जाएगी। तो एक मोटू दूसरे मोटू से मिलने जा रहा है। गया, ठीक है ठीक है, यही तो था। ओ, मिल गया, ये रहा। तो बच्चों, जब मेरे दादाजी बच्चे थे तो टैगा के इस जंगल में एक बाघ रहता था। वो बाघ बहुत ही कमजोर और डरपोक था और उससे उस जंगल में कोई नहीं डरता था। एक बार जंगल में भयंकर सूखा पड़ा। सूरज को देखकर बाघ ने सोचा कि ये सूरज दुनिया का सबसे ताकतवर जानवर होगा, काश मैं उसके जैसा बन सकता। तो बाघ ने तय किया कि मैं अपने पंजे उसके शरीर में गड़ा दूंगा। लेकिन एक भयानक भालू उसकी रक्षा करता था। मापा पंडिका, क्या वो आपके जितना भयानक था? नहीं नहीं, वो तो मुझसे भी ज्यादा खतरनाक था। वो अपनी बड़ी काली गुफा में रहता था और चट्टानी पंजे के रास्ते की रक्षा करता था। ये वो जगह थी जहां सूरज आराम करता था। तो बाघ दांत वाले भालू को सोता देखकर धीरे धीरे आगे बढ़ा और फिर उसने सूरज की चादर पहन ली। बाघ जंगल का सबसे निडर जानवर बन गया। टैगा के सभी जानवर उसके आगे सर झुकाने लगे। वो संतुलन का दिन था जिसमें रात और दिन दोनों बराबर होते हैं। मुझे भी अपने लिए वो चादर चाहिए। देख, मुझे पता है चट्टानी पंजे कहाँ है, मैंने वहाँ सूरज को डूबते देखा था। आज संतुलन का दिन है, आओ चले। सूरज की चादर? शुक्रिया मापा पंडिका। मुझे वो चादर किसी भी हाल में चाहिए। लियो, क्या लगता है जो मापा पंडिका ने हमें बताया वो सच होगा क्या? बिल्कुल, जो उन्होंने कहा वो सच होगा। तब तो काश ऐसा हो कि मैं भी जंगल का सबसे ताकतवर बाघ बन जाऊं। वैसे हम क्यों भाग रहे हैं तुम्हें पता है? हम क्यों भाग रहे हैं बताओ? सुनो टेक, हम तुम्हारे लिए सूरज की चादर लाने जा रहे हैं जिससे तुम सबसे ताकतवर बन जाओ। टेक, अब क्या हुआ तुम्हें? बस तुम्हें सिर्फ इस बड़े और चौड़े लट्ठे पर चलना है। चलो चलो, हाँ ऐसे, हाँ बहुत बढ़िया। हाँ। नीचे मत देखो, मुझे देखो, हो गया ठीक है।
बस ऐसे रुको नेक, पकड़े रहो, मैं आ रहा हूँ। लियो, लियो हम कहाँ हैं? हम पहुँच गए। पर हम हैं कहाँ? हम लगता है हम खो गए हैं। क्या कहा? आखिर हमें जाना कहाँ है? पीछे नदी के ऊपर? अरे नहीं, ऐसे तो हमें काफी देर हो जाएगी। ठीक है, ये रास्ता नहीं है और यहाँ से कोई रास्ता नहीं है। आप बहुत हुआ, मापा पंडिका ने क्या कहा था? आओ और अपने पंजे को सूरज के पेड़ पर रखो शाम को, और रास्ता जगमगा उठेगा। सूर्यास्त की तरफ दौड़ो। अरे वाह लियो, देखो क्या बात है, मुझे हमेशा से इन ट्रिक्स पर विश्वास है। क्या बात है, अरे वाह। बातें मत बनाओ और चलो जल्दी। क्या बात है लियो, मजा आ गया, ये तो कमाल हो गया, सारा रास्ता जगमगा रहा है। दांत वाले भालू की गुफा है, तो हम आगे नहीं जा सकते। हम ये पहाड़ कैसे चढ़ सकते हैं फिर? अरे दोस्तों, वो वहाँ भागो। पहुँच गए, हमें इस रास्ते से जाना होगा। चलो जल्दी, चलो जल्दी करो, देखो देखो देखो, वो सूरज डूबने वाला है, जल्दी करो, भागो, तेज और तेज, मेरे साथ भागो। भागो टेक, सूर्यास्त से पहले हमें वहाँ पहुँचना है। लियो, हमें वापस जाना चाहिए। चलो ना। पागल मत बनो, वहाँ कोई चादर ना हुई तो हम क्या करेंगे? वहाँ चादर होगी, बेकार की बात मत करो, वो वहीं होगी, मापा ने कहा था। सूरज डूबने से पहले उसे पकड़ो, भागो। चलो चलो, हमें वहाँ पहुँचना है, चट्टान करीब है। वाओ, हम पहुँच गए, हमने कर दिखाया, आखिर हम ऊंचाई पर पहुँच गए। चुप रहो, तुम्हें पता नहीं ये दांत वाले भालू की गुफा है। किसकी गुफा है? दांत वाले भालू की? मैं नहीं जाऊंगा। मैं भी नहीं। हाँ वहाँ देखो, चट्टानी पंजा, वहाँ चलते हैं। लियो, तुम ऐसा करो कि तुम अकेले चले जाओ, मैं नहीं आऊंगा। ठीक है टेक, तुम यहीं रुको, मैं चादर लेके आता हूँ। सूरज की चादर, मैं महान बन जाऊंगा पूरे जंगल में। तुम अब नीचे आओ। ये आवाज कैसी है? ओ, तो टेक तो। सुनो तुम, चले जाओ यहाँ से, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। चादर मेरी है। खैर चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से। बिल्कुल नहीं, मैं उसे लेने आया हूँ, चादर बिना मैं नहीं जाऊंगा। तो तुम नहीं जाओगे? हाँ हाँ, हम तुम्हारी मदद करते हैं। लियो, मैं आ रहा हूँ। टेक, पकड़े रहो लियो। लियो, टेक, जल्दी करो, मेरा हाथ छूट रहा है। मैं अभी आता हूँ, ये मुझसे नहीं होगा। टेक, तुम्हारा मोटा दोस्त डरपोक है, वो तुम्हें छोड़ गया। गंदा हो गया। देख, तो ये तो
तुम हो? वो कहाँ गया? दांत वाला भालू? मुझे नहीं पता, मैं तो इतनी तेजी से भाग रहा था कि दांत वाले भालू को देख ही नहीं पाया। तुम्हें पता है टेक, तुम्हें किसी चादर की जरूरत नहीं, तुम दुनिया के सबसे बहादुर बाघ हो। वो आवाज दांत वाले भालू की है? कुछ नहीं है, वो मेरी माँ है। अच्छा, तुम्हारी माँ? वो तुम्हें याद कर रही हूँ। अरे इस बार तो लगता है ये सच में दांत वाला भालू अरे है। अरे नहीं, वो तो मेरी माँ है, वो मुझे याद कर रही है। चलो घर चलते हैं। तो बच्चों, सबके पास अपनी चादर होती है और उसे सूरज की तरह चमकदार हमें खुद बनाना पड़ता है, अपना रास्ता खुद ढूंढना पड़ता है। जगह में घास के सभी तिनकों में जीवन है, क्योंकि वहाँ पर टैगा की आत्मा छिपी हुई है। क्या कहा आपने? टैगा की आत्मा? टैगा की आत्मा सभी जगह पर है, घास के तिनकों में, वृक्षों में, पहाड़ की चोटी पर, और तो और गहरी गुफाओं में भी। रहस्यमयी गुफा। यहाँ छुप जाओ। नहीं, यहाँ नहीं। यहाँ तो उन्होंने मुझे पिछली बार ढूंढ लिया था। इस जगह पर भी उन्होंने मुझे ढूंढ लिया था। अरे हाँ, यहाँ तो वो मुझे नहीं ढूंढ पाएंगे। लियो, ये देखो। देख, आओ मेरे पीछे। पता नहीं ये मीला कहाँ चली गई। देख, तुमने उसे देखा? अरे नन्ही मीला, तुम भी छुपना कब सीखोगी? ये तीसरी बार है जब तुम यहाँ छुपी हो। चलो कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो। अरे हाँ, क्यों ना हम अब पकड़म पकड़ाई खेलें? नहीं नहीं नहीं, हम फिर से छुपन छुपाई खेलेंगे, आखिरी बार। मीला, ये भी आखिरी बार ही था। एक बार और खेलती है ना, बस आखिरी बार। चलो ना, चलो ना, चलो ना, आखिरी बार। चौदह पंद्रह, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। मैंने तुम्हें ढूंढ निकाला टेक। अरे नहीं, ये गलत है, तुमने बहुत तेजी से गिनती गिनी थी। कहाँ जाऊँ? यहाँ नहीं, वहाँ भी नहीं। कहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ? ऐसी जगह जहाँ वो मुझे ना ढूंढ पाए। अरे वाह, ये तो एक गुफा है। अरे वाह, ये तो बढ़िया है। ऐसी जगह छुपूंगी जहाँ वो मुझे ना ढूंढ पाए। यहाँ तो बहुत अंधेरा है। मुझे कुछ मत कहना। अरे वाह, आखिरकार मैं छुपी गई। अरे ये क्या है? कोई है क्या यहाँ? मेरी मदद कीजिए, मुझे दिखाइए घर का रास्ता। आपका शुक्रिया, इसका मतलब मुझे जाना चाहिए उस तरफ। अच्छा सुनो, एक बात बताओ, क्या वो लोग मुझे ढूंढ लेंगे? अरे ये क्या है? एक मिनट के लिए मैं, अरे बाप रे, देखो तो सही, जरा इसे देखो, पीछे भी देखो, ये तो बहुत खूबसूरत है। ये तो मैं हूँ और यहाँ भी मैं हूँ, ये सब जगह मैं हूँ। मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। मेरी पूंछ, ये भी सुंदर है। मेरे कान, कान परम 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 पम पम। ये क्या है? मुझे तो घर जाना है, लेकिन किस तरफ? इस तरफ नहीं, इस तरफ। हाँ, शायद इस तरफ जाना है। नहीं, यहाँ नहीं, किधर जाऊँ, कहाँ जाऊँ? अरे नहीं, लगता है मैं खो गई हूँ। लियो, टेक! ये मीला आखिर चली कहाँ गई? लगता है अब की बार बढ़िया जगह छुपी है। अजीब है, यहाँ भी नहीं है। लियो, यहाँ देखो, ये किसी के पैरों के निशान हैं। अरे वाह, ये तो मीला के हैं। आओ मेरे पीछे।
अरे नहीं, मैं इसके अंदर नहीं जाऊंगा। सुनो लियो, बाहर आओ, मीला यहाँ नहीं है। ठीक, जरा ठहरो। ये देखो, ये फूल तो मीला का है, वो यहीं पर है। आओ अंदर चलें। वहाँ पर क्या बात कर रहे हो लियो? अब मैं क्या करूँ? नहीं नहीं, अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ये मैं आया, मैं ठीक हूँ। लियो लियो, तुम यहाँ हो? ठीक, मैं यहीं हूँ। सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक तो लग रहा है लियो, पर हम हैं कहाँ? हम एक गुफा में हैं और मीला भी यहीं पर है। वाह, मजा आ रहा है। देखो टेक, पैरों के निशान है। मैं आगे जा रहा हूँ। लियो लियो, मेरे लिए रुको, मुझे यहाँ छोड़ के मत जाओ। मीला, क्या हुआ, वो मिली? नहीं टेक, ये निशान आगे नहीं है। क्या तुमने सुना? ये तो मीला है। हाँ, चलो चलते हैं, वो वहाँ है। आ रहा हूँ बाबा तुम्हारे पीछे। मैं क्यों इस गुफा में आई? मैं खो गई हूँ। लियो, मीला, कोई तो सुनो। हम आ गए मीला। लियो, मैं यहाँ पर हूँ। लियो, अब ये क्या है? लियो, मैं यहाँ पर हूँ दोस्तों। लियो, मीला, मेरे दोस्तों, तुमने तो मुझे ढूंढ ही लिया। तुम बहुत अच्छे हो, तुम ठीक तो हो ना? हम तो ठीक हैं, पर तुम ठीक हो ना? आखिर हमने तुम्हें ढूंढ लिया। लियो, हम यहाँ से निकलें कैसे? अरे मुझे कैसे पता होगा, हम तो यहाँ मीला की आवाज़ सुनकर आए थे ना। लियो, कह दो कि तुम मजाक कर रहे हो, कह दो कि तुम यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता जानते हो। चलो कोई नहीं, घबराओ नहीं, यहाँ से निकलने का कोई तो रास्ता होगा, फिर वो रास्ता ढूंढ लेगा। मैं वो रास्ता ढूंढ निकालूंगा किसी भी हालत में। मीला जरा सुनो, तुम डर तो नहीं रही ना? मैं कुछ सोच लूंगा पक्का। मुझे डर नहीं लग रहा। हाँ बस शुरुआत में लगा था, पर जब मैंने उसे रास्ता पूछा तो उसने बता दिया। क्या बात कर रही हो, किसने बताया? मैं नहीं जानती, पर मुझे लगता है कि इन क्रिस्टल्स ने मुझे रास्ता दिखाया। क्रिस्टल ने रास्ता दिखाया? मीला, मैं सब समझ गया। मुझे लगता है ये टैगा की आत्मा है जिसके बारे में मापा पंडिका बात कर रहे थे। वो घास के तिनकों में, पेड़ों में, पहाड़ों की चोटियों और तो और गहरी गुफाओं में होती है। मैं जान गया कि हमें यहाँ से कैसे निकलना है। टैगा की आत्मा हमारी मदद करेगी। टैगा की आत्मा प्रकृति की आत्मा है, वो हर जगह है, सभी तिनकों और पत्थरों में है। हम टैगा की आत्मा को देख नहीं सकते, बल्कि हम उसे महसूस कर सकते हैं। अगर हम उस पर भरोसा करें तो वो भी हमारी मदद के लिए हमारे पास होगी। तुम क्या बात कर रहे हो, ऐसी कोई भी आत्मा नहीं होती है। ये सारी मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, बच्चों की बातें। कोई आत्मा वात्मा नहीं होती, हम खो गए हैं। बस गए। टैगा की आत्मा, दया करके हमें दिखा ये घर का रास्ता। शुक्रिया टैगा की आत्मा। सुनो दोस्तों, मेरे पीछे आओ। लियो, हम लोगों के लिए रुको। लियो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये छोटा सा कीड़ा हमें यहाँ से बाहर निकाल सकता है? लियो, देख, अगर तुम बोलते रहोगे तो हम यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। अब क्या हुआ, मैंने क्या कर दिया?
मैं तो बस ये कह रहा था कि टैगा की आत्मा से कहो कि हमें यहाँ से जल्दी बाहर निकाले। अब मुझे भूख लगी है। तो तुम खुद क्यों नहीं कह लेते? हाँ हाँ कह लेता हूँ, इसमें क्या मुश्किल है। अरे सुनो टैगा की आत्मा, हमें बाहर निकालो जल्दी से। अब हुआ कमाल। टैग ये क्या है, तुम प्यार से नहीं बोल सकते क्या? अच्छा बाबा ठीक है, कृपा करिए। अब ये क्या है? ये तो चमगादड़ है। हुर्रे हम बच गए। क्या बात है टेक, तुमने कैसे कहा ना हमें बाहर निकालो। वाकई में तुम्हारी टैगा की आत्मा ने तो कमाल कर दिया। हाँ, तुम्हें तो यकीन भी नहीं था। ऐसा नहीं है, मुझे तो शुरू से यकीन था। आओ चलो घर चलें, जल्दी करो। आओ मेरे टैगा की आत्मा हर जगह है, परंतु उसे वो ही देख सकता है जो वास्तव में चमत्कार में विश्वास करता है। कहाँ छुप रहे हो, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। बच्चों सुनो, टैगा प्रकृति का एक भंडार है। जंगल में ऐसा कौन सा समय सबसे भरा पूरा और उदार है? कौन सा समय, खाने का? नहीं सबसे भरा पूरा समय है पतझड़ का। बारिश होने वाली है। टैगा में पतझड़। मुझे पतझड़ बिल्कुल पसंद नहीं। लियो बाजू हटो। सांप! यह सांप है? सांप है? सांप! सांप! कहाँ है? वो बहुत बड़ा है खूंखार, मेरी पूंछ काटने वाला था। क्या तुमने उसे देखा था? हाँ बिल्कुल, वो तो अच्छा ना वहाँ से भाग गया और मेरी पूंछ बच गई। ओ, तुम लोग तो सांप के इस चमड़े से डर गए। ये देखो ये तो सिर्फ चमड़ा है, यहाँ आओ मैं दिखाता हूँ। पर पापा ये तो अभी अभी रेंग रहा था एक सांप की तरह और एक कीड़े के पीछे जा रहा था। नहीं बच्चों नहीं, सांप अपने पुराने चमड़े को उतार कर नए चमड़े में निकलता है और ये वही पुराना चमड़ा है। हाँ ठीक है, तो ये पुराना चमड़ा है, नए चमड़े में आने के लिए पुराना चमड़ा छोड़ना पड़ता है। हम खामखा डर गए। मापा पंडिगा, सांप अपना पुराना चमड़ा कैसे उतारता होगा? ये एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है, चलो सुनाता हूँ। पुराने जमाने में एक महानाग रहता था। वो नागों का बड़ा महाराज था। बहुत बूढ़ा होने की वजह से इस महानाग को कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। तब उसने अपने राज्य के नागरिकों से बुढ़ापे का इलाज ढूंढने को कहा। सांप अलग अलग दिशाओं में रेंगने लगे, हर गहरी दरार और अंधेरी गुफाओं में खोज करने के बाद भी उन सांपों को कुछ नहीं मिला। चेतक नाम का सर्प सबसे देर तक दवा ढूंढता रहा और जब वो वापस आया तो उसकी पूंछ में एक जड़ लिपटी हुई थी। महानाग को उसने वो जड़ खिला दी और जब महानाग वो जड़ खाकर अपनी मांद से बाहर आया तो वो युवा मजबूत और स्वस्थ बन गया। महानाग बहुत ही खुश हुआ और उसने चेतक सर्प का निशान चमकदार कर दिया। मापा पंडिका, उस चमत्कारी जड़ का नाम क्या था? वो जड़ तो जिनसेंग है। सूरज निकल आया। क्या बात है मापा पंडिका, आइए चलिए घर चलें अंगूर खाने के लिए।
ओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मेरी पीठ में भी दर्द हो रहा है। मापा पंडिका, आपको क्या हुआ? बेचारी मापा पंडिका, लगता है उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो रही है। उनको मदद चाहिए। पर हम क्या करें और कैसे? मैं जानता हूँ, हम वही चमत्कारी जल ढूंढ निकालेंगे, वो सभी बीमारियों की दवा है। आओ। सही कहा लियो, जिनसेंग को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। पर हम कहाँ जा रहे हैं? लगता है ये है ना? नहीं टेक, ये तो एक मंचूरियन नट है। तुमने मापा की बातें ध्यान से नहीं सुनी थी क्या? मुझे तो लगता है कि वो सब कहानियाँ ही हैं। जिनसेंग जैसी कोई जड़ नहीं होती। लगता है मैंने ढूंढ लिया, आओ मेरे साथ। अरे वाह, एक कहानी की तरह है। ये चेतक सर्प का निशान है, ये हमें रास्ता दिखाएगा। हाँ, और हम उससे जिनसेंग की जड़ मांगेंगे और फिर मापा ठीक हो जाएंगे। चेतक सर्प रहता है ना? यहाँ कोई चेतक सर्प नहीं है, हमें वापस चलना चाहिए। नहीं, हम यहाँ जिनसेंग को खोजने आए हैं मापा के लिए, और हमें उसे ढूंढना ही होगा। पर लियो, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी जिनसेंग है। तुम आ रहे हो या वहीं खड़े रहकर बातें बनाओगे? अच्छा ठीक है, मैं किनारे पर रहकर तुम लोगों का इंतजार करूँगा। मुझे लगता है मैं डूब रहा हूँ। अरे नहीं, लियो, लगता है वो मुसीबत में है, मुझे उसे बचाना होगा। पर मैं करूँ तो करूँ क्या? नीला, मेरी मदद करो। नहीं रहती होगी, बाहर आओ। आपने कुछ सुना तो नहीं? मैंने सब कुछ सुन लिया है। नीला छुप जाओ, हमारा ये मतलब नहीं था। मैं देखूंगा कि तुम में जो कौन है और कौन सबसे ज्यादा स्वादिष्ट। हमारा स्वाद बहुत गंदा है। मेरा स्वाद बहुत खट्टा है। बेवकूफ बच्चों, तुम लोग दलदल में क्यों घुसे ये बताओ मुझे। हमें माफ कर दीजिए, हमें एक जादुई जड़ चाहिए थी। वो भी अपने लिए नहीं, बताओ ना लियो। हमारे मापा पंडिका है ना, वो बहुत ज्यादा बीमार है और उन्हीं के लिए हमें वो जादुई जड़ चाहिए थी। क्या तुम लोग मापा पंडिका को जानते हो? मुझे याद है मुझे वो भालू का बच्चा। ठीक है, बैठो मेरी पीठ पर, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। हमारा
इंतजार करो। शुक्रिया चेतक जी, हम आपसे फिर मिलने आएंगे, ठीक है? फिर मिलेंगे। हम इस पहाड़ पर क्यों चढ़ रहे हैं? अच्छा होगा कि हमें घर जाना चाहिए, बारिश आने वाली है और वैसे भी मुझे पतझड़ का मौसम बिल्कुल पसंद नहीं। आखिर हम पहुंच ही गए। देखो पतझड़ कितना सुंदर है। इतना ऊंचा है। काफी सुंदर है। तुम्हें पता है कि मुझे पतझड़ का मौसम हमेशा से बहुत पसंद है। ताइका तुमको न केवल भोजन दे सकता है बल्कि दवा भी दे सकता है।